दोस्तों स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और आज हम आपको घुमाने लेके आए हैं सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग कौन थे उनके बारे में बताएंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये इसका पहला गेट है और आप देख सकते हो ये पहला गेट कितना आलीशान और मिसाल है मुगल वास्तुकला का एक नमूना। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों गेट के पास आके आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ इसमें कितनी बेहतरीन कारीगरी करी गई है और सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप अंदर का सीन है अभी, और अंदर की तरफ चलेंगे। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो सामने आपको सफदरजंग का किला या मकबरा आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही प्यारा है, ताजमहल की तरह एकदम खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, अभी आगे की तरफ भी चलेंगे। अभी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो आप देख सकते कितना बेहतरीन मकबरा है। तो अभी अंदर की तरफ भी चलेंगे, चलते आगे की तरफ। मकबरे के अंदर घुसते ही दोस्तों आपको सबसे पहले ये आपको फुवारा नज़र आएगा, और ये ताजमहल के फुवारे से भी लंबा और बड़ा है। आप देख सकते हो मुगलों द्वारा जो बनाई गई एक वास्तुकला का एक नमूना ये भी, कि ये जो फुवारे लग रहे हैं ये सब के सब बिना मोटर के चलते हैं। जब इसमें पानी का बहाव तेज हो जाता है तो आप इसकी गहराई देख सकते हो, और ये जब इसको पानी का भरा होता है उससे जलता है ना, ये बिजली से चलते हैं। तो चलिए चलते हैं मकबरे की तरफ अंदर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये जो है सफदरजंग का मकबरा है, और इसके नीचे का हिस्सा आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन और आलीशान ये कमरे की तरह जो बने हुए हैं सारे के सारे आप देख सकते हो। और अभी इसको ऊपर की तरफ पे चलेंगे और आपको दिखा देते हैं पूरा पूरा। तो आप इसका क्या बेहतरीन कारीगरी, और मुगलों की वास्तुकला वाकई में बहुत बेहतरीन रही थी अपने दौर में। चलिए ऊपर की तरफ चलेंगे अभी, तो चलिए चलते हैं। ऊपर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको मकबरे के नीचे छोटे मकबरे में जाने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये कुआ है जो मुगल कालीन कुआ है, और आप इसके ऊपर ये जाली बनी हुई है, और ये कुआ जो है आज भी चल रहा है। और अब यहाँ एक मोटर लगा दी गई है, आप देख सकते हो। गाइस फाइनली हम जो हैं ऊपर की तरफ सफदरजंग मकबरे में पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हम सफदरजंग किले मकबरे के ऊपर हैं। और आप देख सकते हो कि ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें इसकी जो मीनार है वो नज़र आती है, और इस मीनार की क्या खूबसूरती, इस पर तरह तरह की कला आपको नज़र आ रही होगी, देख सकते हो। ऊपर पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा ये मुख्य मेन गेट नज़र आएगा, फिर इसकी ऊंचाई और लंबाई आप देख सकते हो कितनी ऊंची और लंबी है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो है सफदरजंग मकबरे के अंदर का सीन है, और अंदर जो आपको कब्र नज़र आ रही है वो सफदरजंग की कब्र है। सफदरजंग जो घूमते हैं बताते हैं वो मुगल बादशाह, मुगल दौर में जो आखिरी बादशाह था उनके मंत्री थे, ये उनकी याद में बनवाया गया था। तो चलिए कब्र दिखाते हैं। बस ये जो आप कब्र देख रहे हो ये सफदरजंग की कब्र है, और सफदरजंग जो थे वो मुगल बादशाह के जो आखिरी बादशाह रहे थे। मुगलों का आखिरी महल और आखिरी मकबरा इसे बोला जाता है, क्योंकि इससे इसके बाद से मुगल सत्ता पूरी खत्म हो गई। तो आप इस कब्र के चारों तरफ इसके अंदर जो मकबरे में है ये सब आप देख सकते हो। आपको वहाँ पर एक खिड़की नज़र आ रही होगी, एक खिड़की इधर है और एक खिड़की इधर है। ये वो खिड़कियाँ हैं कि इस दौर में तो अभी इस गेट को खोल दिया गया, उस जमाने में जब ये मरे थे तो ये चारों गेट बंद थे, और यहीं से लोग इनकी ज्यारत करा करते थे कब्र की, और इनकी देखा करते थे। असली कब्र जो है वो नीचे है, ये ऊपर आर्टिफिशियल है। एक बार करीब से आपको दिखाएंगे, इस पर बड़ी बेहतरीन कारीगरी करी गई है। और फाइनली गाइस आप इस कब्र के ऊपर आप देख सकते हो कितनी अच्छी कारीगरी करी हुई है। और चलिए इसको दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। तो मैं साइड में बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है।
कारीगरी देख सकते हो कितनी बेहतरीन कारीगरी करी गई है। और उस ज़माने में इतने अच्छे औजार ना होते हुए भी ये मुग़ल वास्तुकला का वाकई में एक नमूना है। और ये मुग़लों का आखिरी किला भी है, क्योंकि इसके बाद सत्ता ख़त्म हो गई थी, सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। लेकिन आज भी ये इतनी खूबसूरत कारीगरी आज भी ऐसी है। चलिए अब हम आपको इसको बाहर से दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली ये किले का चौथा और आखिरी इसका सीन है और ये गेट है। चारों तरफ से ये एक जैसा है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ, सामने जो आप गेट देख रहे हो वो मेन गेट है और वहाँ से एंट्री है। इसी तरह के तीन गेट और हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एक गेट मेन गेट आपको दिखा देता है, एक गेट सामने वो है, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके का है, और एक इसकी तीसरी तरफ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और सामने आपको जो दिख रहा होगा ये इसका तीसरा गेट है, और तीनों गेट एक ही तरह के हैं और तीनों के आगे बड़े बड़े गेट हैं। और बात करें दोस्तों मकबरे के टिकट की, तो ऑनलाइन अगर आप लेते हो तो 20 रुपये का है, ऑफलाइन वैसे भी बंद कर दिया गया, वैसे 25 रुपये का टिकट है। और सामने आपको दिख रहा होगा ये जिसमें पानी भरा हो, होदी बोलते हैं इसको, और उस ज़माने में जब बारिश पड़ा करती थी आपको सामने दिख रहे होंगे वो छेदों से पानी निकल जाता था, और आज भी ऐसी मजबूत है। तो चलिए चलते नीचे की तरफ। ये इस किले की सीढ़ियाँ हैं, एक बार हम आपको इस किले के दरवाजे दिखा देते हैं। उस ज़माने की लकड़ी आज भी इतनी मजबूत है और आज भी वैसी ही है। फाइनली गाइस आप देख सकते हो ये दरवाजे हैं छोटे छोटे जो मकबरे के नीचे हैं, और ये छोटा दरवाजा है, ये बड़ा दरवाजा है, ये सरकार के बड़े दरवाजे, एक छोटा दरवाजा मकबरे के चारों तरफ, इसी तरह के तीनों दरवाजे चारों तरफ हैं, चारों तरफ जाते जाते इस व्लॉग को खत्म करते हैं।